डब्बा बड़े होने की वजह से अनबॉक्सिंग नहीं दिखा पाया। इसको देख लेते पीछे से, इस टाइप का दिखता है और ये अटैची जैसा है, ऊपर उठ जाता है पूरा, नीचे चक्के भी लगे हुए हैं। अब इसको कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, इजी टू कैरी है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसके अंदर बैटरी भी लगी हुई है, बस कहीं भी बटन दबाइए और शुरू हो जाइए। ये यूज़र मैनुअल है जो उसके साथ में ही मिलता है, उसे खोल के देख लेते हैं एक बार। सारे डिटेल्स इसी में लिखे हुए हैं कि पीछे के फंक्शंस कैसे काम करते हैं, क्या क्या दिया गया है साथ में, सब कुछ लिखा हुआ है। अरे रिमोट के फंक्शंस दिए हुए हैं, ये कैसे काम करता है। इसके साथ में आपको मिलती है डबल ए की दो बैटरी। और साथ में मिलता है रिमोट जिससे हम नेक्स्ट पॉज प्ले या फिर एफएम के कंट्रोल कर सकते हैं। ये है माइक, वीएचएफ है, इसमें दो डबल ए की बैटरी लग जाएंगी। सामने ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये अभी खोल के देख लेते हैं। इसको डबल ए वाली बैटरी का ढांचा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये नॉर्मल पावर केबल है जो आपके कंप्यूटर में अटैच होता है, वही वाला है, सेम वही है, तीन पिन वाले। ये अडाप्टर है इसका, यहाँ पे आप एसी वाले पिन लगाएंगे जो कंप्यूटर में अटैच होता है, वो पहले इससे कनेक्ट होगा, उसके बाद जाके वो हमारे पोर्टेबल पीए सिस्टम में कनेक्ट होगा। ये एसी अडाप्टर है, इसका पिन देख लेते हैं। ऐसा पिन है जो पोर्टेबल पीए सिस्टम में कनेक्ट होगा और यहाँ जो कंप्यूटर केबल यहाँ कनेक्ट होगा एसी वाला। अब इसको थोड़ा सा चला के देख लेते हैं। यहाँ नीचे इसका पावर ऑन ऑफ दिया हुआ है और ऊपर जहाँ रेड जला वो माइक का था जिसको मैंने अभी दबाया। माइक का ऑन ऑफ स्विच है जो कि वायरलेस माइक है। ये मेन पावर बटन, इसको फिर से ऑन कर लेते हैं, उसमें पेन ड्राइव लगा देते हैं और सुनते हैं कैसा बज रहा है गाना। अब इसका ब्लूटूथ भी चेक कर लेते हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये मोड बटन दिया, इसको दबाएंगे एक बार तो ये ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा। शायद आपको स्क्रीन में ना दिख रहा हो, और ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसे मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये ब्लूटूथ और हेडफोन का निशान बना होगा, वो इसका लोगो है, उसमें क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया कनेक्ट, मैं इसमें अपना ही एक वीडियो चला देता हूँ।
रिमोट है जो साथ में मिला है, नीचे ये पत्ती दी हुई है, इसको खींचेंगे तभी रिमोट चालू हो जाएगा। मेनली ये तो किसी काम का है नहीं, या तो आपको नेक्स्ट टेस्ट करना है बस इसीलिए काम आएगा, और FM सेट करने के लिए। चलिए अब FM ही सेट कर लेते हैं। ये जो बटन है उससे ये ऑन ऑफ होगा। थोड़ा जूम करके दिखा दिया मैंने आपको, ये जो बटन है इससे ऑन ऑफ होगा कॉर्डलेस माइक, और उसी के बगल में जो ये दिया है उसका वॉल्यूम होगा। यहाँ पहले सेल डाल लेते हैं, लगता है सेल गिर गया, इसे डाल लेते हैं। ये बैटरी आपको कहीं भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ये सब जगह मिल जाती है। बैटरी लगा लेते हैं, अब ये रेडी है यूज़ करने के लिए। ग्रीन बत्ती जला, वहाँ भी ग्रीन बत्ती जला, देखिए ये बंद हो गया, उधर भी ग्रीन बंद हो गया, मतलब ये कनेक्टेड है। अब इसका माइक और इको चेक कर लेते हैं। हेलो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे एक माइक लग जाएगा, उसके बगल में दूसरा माइक लग जाएगा, यहाँ लाइन इन है, यहाँ मिक्स आउट है, ये माइक का वॉल्यूम है, जो दो माइक नीचे लगेंगे वायर वाले, ये इको दिया है, ये बेस ट्रेवल बेस वॉल्यूम, और ये पावर ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ चार्जर कनेक्ट होगा जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये आपके कार से भी चार्ज हो सकता है। प्राइसिंग की बात करें तो इसका MRP दिया हुआ है 12,500, ऑल टैक्स इंक्लूडेड। मार्केट में आपको 10,500 तक मिल जाएगा। धन्यवाद। मैं एक गिवअवे भी चला रहा हूं जिसके ज़रिए आप ये डिवाइस जीत सकते हैं, तो प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिए और आप विनर बन सकते हैं।